तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने हेलीकॉप्टर से अपना नया वाला घर लेके आ चुका हूँ। एंड अब मैं इस बड़े से घर को अपने पुराने इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम के घर के ऊपर लैंड करवा दूंगा, जिससे कि हमारा नॉर्मल सा घर बन जाएगा एक बहुत ही कमाल के घर के अंदर। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये सब करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो देखो, हम लोगों के घर से बस कुछ ही दूर पे हम लोगों को एक न्यू ये बहुत ही मुश्किल सा मिशन देखने को मिलता है। एंड द मेन पार्ट इज, अगर हम लोग इसे पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें एज अ विनिंग प्राइस ये कमाल का घर मिल सकता है, जो कि मैं बाद में हेलीकॉप्टर से लेके आ जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग को अपने हेलीकॉप्टर लेके जाना है एंड ये न्यू वाला घर उसे हेलीकॉप्टर से ही उठा के लाना भी होगा। तो देखो, हो सकता है तुम लोगों के लिए यही सब समझना अभी मुश्किल पड़ रहा हो, तो कोई बात नहीं, तुम लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। तो यो गाइस, अभी मैंने अपने गेम को ओपन कर लिया है एंड चलो अब फटाफट से बाहर चलते हैं। एंड बाहर जाके सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ अपने घर का हाल, जो कि तुम सभी लोगों को पता ही होगा, तुम सबके घर का हाल सेम ही है। ये देखो, हम लोगों को यहाँ पे छोटा सा इंडियन से बाइक ड्राइविंग 3D गेम का घर देखने को मिल जाता है। बट मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम लोगों को गेम के अंदर एक मिशन देखने को मिलता है, जिसको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम लोग एज अ विनिंग प्राइस एक हाउस भी मिल सकता है, जो कि बाद में हम लोगों को हेलीकॉप्टर से लेने जाना पड़ेगा एंड लाके फिर हम लोग अपने घर के ऊपर रख के उसे और बड़ा घर बना सकते हैं। वेल, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस समय इस बड़े से मिशन के पास पहुंच चुका हूं। एंड ब्रो, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला, क्योंकि मुझे तो एक ही बार में क्रॉस करना है। तो मैंने यहाँ से जंप करा दिया एंड आगे हम लोग को चेक पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड ब्रो, ये कैसा ही रास्ता बन रखा है, इसे कैसे चढ़ाऊंगा। ओके, तो मैं धीरे धीरे ड्राइव करना स्टार्ट करता हूँ। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मिशन सिर्फ एक साइकिल मिशन है, तुम लोग इसे बाइक से क्रॉस नहीं कर सकते। अगर तुम में से कोई कर लेता तब तो क्या ही बात है भाई, बट मेरे से तो नहीं हो रहा था। एंड मैंने इसे बनाया इस तरह कि तुम लोग इसे बस साइकिल से क्रॉस कर पाओ। एंड ये देखो, मैंने इतना क्रॉस कर लिया एंड ब्रो बस गिर ना जाऊं मैं। ओ फ्री, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे चेक पॉइंट लगा रखा है, तुम लोग यहाँ से बच जाओगे। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट कर चुका हूँ, लेट्स गो। वैसे मैंने फर्स्ट हाफ तो बहुत ही आराम से क्रॉस कर लिया भाई, मुझे पता भी नहीं चला, बल्कि एक्चुअल में बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने तो काफी बार क्रॉस कर करके प्रैक्टिस कर ली है। ओके, तो मैंने ये भी क्रॉस कर लिया, ब्रो गिर गए, बट कोई बात नहीं, चेक पॉइंट से वो टच हो ही चुका था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोगों को थोड़ा और आगे जाना है, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके इसे मिशन को कम्प्लीट करूं, क्योंकि मुझे तुम लोगों को घर को लेके भी आना है एंड तुम लोगों को दिखाना भी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं एंड एक्सप्लोर भी करेंगे। वेल, मैंने यहां से एक और चेक पॉइंट ले लिया है एंड अब हम लोग को इस पतले से रास्ते पे अगेन चलना है, ये काफी ट्विस्टेड है भाई। भाई, 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 भाई। ओके, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से गिर चुके थे। वेल, अगेन हम लोग इस बार ट्राई करेंगे एंड होप सो मैं इस बार बिल्कुल सही से इसे क्रॉस कर लूं। तो मैं धीरे धीरे ही अपनी साइकिल को टर्न करूंगा एंड ओके, मैं ट्राई कर रहा हूं एंड भाई सच में काफी ज्यादा मुश्किल काम है इतनी पतली सी रोड पे चलाना। अगर सोचो यहाँ पे बाइक होती तो पक्का गिरते हम लोग, वो तो कहो साइकिल है, साइकिल के टायर्स काफी ज्यादा पतले हैं, वो यहाँ पे बैलेंस हो पा रहे हैं एंड मैं स्पीड तो बिल्कुल रख ही नहीं रहा हूँ, बहुत ही कम रख रहा हूँ, इसी वजह से मैं कंटिन्यूसली आगे भी बढ़ पा रहा हूँ। वेल, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग कंटेनर आने का वेट करना है, क्योंकि आगे कंटेनर अभी आया नहीं है। तो लेट्स सी कंटेनर कब आता है एंड तब हम लोग जंप करेंगे। हालांकि मुझे आगे चेक पॉइंट दिख रहा है, बट स्टिल यही तो ट्रिक है, अगर तुम लोग चेक पॉइंट पर चले जाते हो तो तुम लोग नीचे भी गिर सकते हो अगर कंटेनर ना हो। वेल, यहाँ से मैंने चेक पॉइंट टच कर लिया है एंड वेट करते हैं अगेन कंटेनर की सही पोजीशन पे आने का एंड फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने ये पूरा क्रॉस कर लिया एंड फटाफट से मैं एक ही बार में मैं ये व्हाइट वाले कंटेनर पे भी आ चुका हूं। एंड ब्रो, ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है, ये मैं इस मिशन में जितनी आगे आ रहा हूं उतनी ही पतली हो रही है रोड। ओके, तो मैं इसे चढ़ना स्टार्ट हो चुका हूं एंड बस गिरे ना हम लोग। एंड ब्रो, ओ शिट, एनीवे मैंने चेक पॉइंट टच कर ही रखा था, तो हम लोग फिर से आ सकते हैं आगे। एंड ओके, मैं कोशिश करूंगा इसी एक ही बार में ये इसे क्रॉस कर लूं मैं पूरा। एंड हां, भले ही तुम लोगों को मेरा गेम प्ले देख के लग सकता है कि ये मिशन इजी है, तो मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर लिंक को कॉपी करो, जिसके अंदर तुम लोगों को ये मिशन प्लस न्यू वाला घर दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। वेल, मैंने इसे क्रॉस कर तो लिया है, फिलहाल अभी भी काफी ज्यादा मिशन बाकी है एंड मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम लोगों को इस मिशन को एंड जो अभी हम लोग घर लेके आएंगे उसको एक ही लिंक में डाल के तुम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। बट अभी तो घर नहीं मिला है, तो पहले मैं घर लेके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कितनी बड़ी जंप लगा दी मैंने। एंड ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं एंड हमें फिर से यहाँ पे एक चेक पॉइंट सामने देखने को मिल चुका है। हालांकि पहले मैं बैलेंस वैलेंस कर लेता हूँ एंड आगे ये पाइप फिर से पतली सी रोड। ओ शिट, तो मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा आगे बढ़ूंगा। ओ भाई, मैं लेजिट फांद के आया हूँ। एंड ब्रो, ये बढ़िया हुआ, तुम लोग देख सकते हो चेक पॉइंट ऑटोमेटिकली टच हो गया था। हालांकि मैंने तो नहीं किया था, मैं उसके साइड से निकल आया था, बट चलो भले ये ग्लिच हो बट ये अच्छा ग्लिच था। एनीवे, चलो हम लोग फिर से आगे बढ़ने का ट्राई करते। ओ शिट, हम गिर चुके हैं। ओके, तो मैंने चेक पॉइंट टच करके फिर से यहाँ पे अपने आपको खुद को स्पॉन करवा लिया है। एंड ब्रो, भाई ये क्या ही घुमावदार पतली पतली से रोड बन रखी है एंड ये थोड़ी ऊपर नीचे भी है, तुम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली इसे क्रॉस करने में। इसी के साथ मैंने दूसरा चेक पॉइंट भी ले लिया, भले ही अब गिर जाऊं क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग वापस से रिस्पॉन हो सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ से टेबल लग रखी है, आई गेस हम लोग बस फिनिश लाइन के पास पहुंच चुके हैं। वो देखो, हम लोगों को फिनिश लाइन यहाँ से क्लियरली दिख रही है। ओके, तो अब बस मुझे और धीरे धीरे एंड बहुत ही
कंडीशंस के साथ अपने साइकिल को ड्राइव करना है। एंड मैंने एक और चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया एंड अगेन अब ये पतली सी रोड, बट अब मेरे अंदर मोटिवेशन है कि अब तो क्रॉस कर ही लूंगा, मैं इतनी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है, हम लोग क्रॉस तो कर ही लेंगे। वेल यहाँ पे ये रोटेटिंग प्रोपेलर देखने को मिल रहा है, बट मैं इससे काफी आराम से निकल गया ब्रो। यस ओश What the fuck? कोई बात नहीं, हम फिर से ड्राइव करेंगे। एंड भाई पहली बार में तो मैं आराम से इन प्रोपेलर्स के बीच से निकल गया था, बल्कि अब मुझे डर लग रहा है कैसे निकलूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई मैं पहले कैसे निकल गया था। एंड तुम लोग देख सकते हो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सच में काफी ज्यादा कम है, लाइक निकलना सच में मुश्किल है भाई। बट ओके मैं थोड़ा सा वेट करूंगा एंड निकल गया। यस एंड दैट्स इट, अब अगर मैं गिरा तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी। वेल मैं नहीं गिरने वाला। ओके तो यस हमने अपने मिशन को क्रॉस कर लिया, फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। अब मैं अपनी साइकिल को बस जंप कराता हूं एंड दैट्स इट। अब फटाफट से मैं अपना हेलीकॉप्टर, ओ भाई गिर गए, कोई बात नहीं। तो हाँ अब मैं फटाफट से अपना हेलीकॉप्टर स्पॉन करवाता हूँ एंड जाके जल्दी से लेके आते हैं उससे न्यू वाले घर को। तो हम लोग को जाना है इस सिटी के बाहर सिंपली। एंड अब मैं फटाफट से जाता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए इतना पार्ट स्किप कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को काफी ज्यादा बड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। तो ये देखो मैं अपना न्यू वाला घर लेके आ चुका हूँ एंड भाई ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड तुम लोग देख सकते हो इस समय मैं अपनी सिटी के ऊपर उड़ रहा हूँ एंड वो देखो हमें अपना घर दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ओके अब मैं यहाँ पे आराम से इसको लैंड करवा देता हूँ एंड ओके लेट्स गो। धीरे धीरे मैंने इसे यहाँ पे लैंड करवा दिया एंड दैट्स इट, मैंने इसे आराम से लैंड करवा दिया। आप अपने हेलीकॉप्टर को बाहर जाके लैंड करा देते हैं, हालांकि मेरे घर के ऊपर भी हेलीपैड है बट स्टिल मुझे तुम लोगों को नीचे से ऊपर तक के घर दिखाना है, तो इसलिए मैं बाहर से अंदर जा रहा हूँ। एंड तुम लोग देख सकते हो अभी हम लोग घर के इधर की साइड आ चुके हैं। अब देखते हैं इस घर में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे पार्किंग है, एक्चुअली में दो फ्लोर की पार्किंग है। सबसे नीचे तुम लोग अपनी कार पार्क कर सकते हो, हालांकि तुम लोगों की मर्जी कार या बाइक कुछ भी पार्क करो दोनों ही फ्लोर पे। एंड अगर तुम लोग यहाँ से ऊपर जाते हो तो तुम लोग को यहाँ पे एक और पार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे मैंने अभी तो पार्क कर रखी है यहाँ पे बाइक्स, जो कि तुम लोगों को भी ऑलरेडी पार्क्ड मिलेंगी। एंड एक और मजे की बात बताऊं, तुम लोगों को अपनी कार या बाइक को निकालने के लिए यहाँ से पीछे से रास्ता है। तुम लोग यहाँ से अपनी कार या बाइक को कुछ भी ले जा सकते हो बाहर की ओर। एंड बाहर से अंदर की ओर आते हो तो तुम लोगों को अगर घर के अंदर पार्क करनी है तो बस पीछे से आना है इधर की साइड एंड तुम लोग ऑटोमेटिकली सेकंड फ्लोर की पार्किंग में अपनी कार या बाइक को पार्क कर पाओगे। तो ये काफी मजेदार सा है। एंड चलो और ऊपर चलते हैं। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो हम लोगों को ऊपर ये घर का डेकोरेशन कुछ तो देखने को मिलता है, लालटेन से बन रखा है ये। एंड यहाँ पे बहुत बड़ी सी बालकनी है। वेल मैं अभी बता दूं, अभी तो घर देखना स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं तुम लोगों को घर के अंदर भी जाके दिखाऊंगा। एंड ये ऊपर वाला फ्लोर है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पीछे बालकनी है। एंड अब चलते हैं घर के अंदर, तो लेट्स गो ब्रो। सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे काफी सारे स्टोरेज है एंड काफी कुछ मैंने सजा रखा है। एंड बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखता है वो भी यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे डस्टबिन है। एंड थोड़ा और अंदर वाले रूम में जाते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे सोफा पड़ रखे हैं, बहुत सारी टेबल लगी हुई है। एंड ये अलग सा मैंने डिजाइन बनाने की कोशिश करी है, बहुत सारे कबर्ड्स हैं एंड एक बहुत ही बड़ी विंडो है जिसके ऊपर चढ़ के तुम लोग बाहर का पूरा व्यू देख सकते हो। एंड अभी तो हम लोग पहले ही फ्लोर चढ़े हैं, अभी तो और भी देखेंगे। वेल साइड में हम लोगों को बालकनी वाला या बोला जाए एक छोटा सा और रूम टाइप का देखने को मिलता है, जहां से तुम लोग अगेन बाहर देख सकते हो। वेल अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। यहां पे आते तुम लोग देख सकते हो यहां पर भी काफी सारी डिजाइन बन रखा है एंड इधर से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। एंड यहां पर भी एक डिजाइन है, देखो मैं जितना डेकोरेट हो सकता था मैंने उतना किया। एंड अगर तुम लोग इधर की साइड आते हो तुम लोग को यहां पे ये बालकनी वाला तो तुम लोगों को एक और फ्लोर देखने को मिलेगा, जो कि तुम लोग देख सकते हो ये पूरा तरीके से ओपन है एंड यहाँ पे तुम लोग आराम से बैठ सकते हो। यहाँ से इतनी बड़ी जगह है, तुम लोग पूरा बाहर का पूरा नजारा ले सकते हो एंड ये बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड अंदर से भी कैसा है तुम लोग खुद ही देख सकते हो एंड अपना ओपिनियन मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। वेल अब चलते हैं वापस से घर के अंदर। यहाँ पे अगेन कुछ डेकोरेशन का सामान, कबर्ड, किचन एंड बहुत सारी विंडोज, हालांकि दो ही है यहाँ पे। एंड इधर वाले वॉल पे भी डिजाइन बन रखे हैं, डस्टबिन रखा है। एंड अगर हम लोग और साइड वाले रूम में जाएं तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को अगेन एक और रूम देखने को मिलता है। वेल मैं तुम लोगों को बताऊं, इसके ऊपर जो हम लोगों को एक और फ्लोर देखने को मिलता है उसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पे लेजिट एक ओपन बालकनी भी देखने को मिलती है। वेल रुको मैं तुम लोगों को वहाँ पे जाके ही दिखाता हूँ। तो ओके तो हम लोग फिर से यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं एंड ओ भाई मैं जल्दी जल्दी यहाँ चढ़ता हूँ। ओके सबसे पहले जैसे ही तुम लोग ऊपर आते हो यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे ये हार्ट शेप बना रखा है मैंने, कबर्ड एरिया और यहाँ से बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर भी। वेल अब चलते हैं दूसरे साइड पे, इन सब रूम में जाते हैं एंड तुम लोग देख सकते हो इन रूम पे आते ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये बेडरूम, जहाँ पे लाइक बेसिक सा बेडरूम ही है एंड यहाँ पे कुछ डिजाइन बना रखे हैं मैंने। एंड इधर के साइड वाले रूम पे जाते हैं तुम लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे एक बालकनी देखने को मिलेगी एंड हम लोग को यहाँ पे एक बालकनी भी देखने को मिल जा रही है, जहाँ से हम लोग को अपने साइड वाले सारे घर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये बिल्डिंग ना होती तो हम लोग को और भी ज्यादा दूर का दिख सकता था। वेल अब चलते हैं अपने लास्ट फ्लोर, आई मीन सबसे ज्यादा टॉप वाले फ्लोर पे। तो ओके तो चलो यहाँ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पे थोड़ा आराम से चढ़ना, क्योंकि हमारा प्लेयर इतनी तेज चढ़ता है एंड इतना एक्साइटेड रहता है कि वो हो सकता है चढ़ते चढ़ते आगे बालकनी फांस जाए। तो देखो यहाँ पे अगर रुक जाना
जाना, फिर आराम से ऊपर चढ़ना। हालांकि मैंने सेफ्टी के लिए और भी ऊपर लगा दिया था क्योंकि कभी गिर विर ना जाए, बट स्टिल तुम लोग ध्यान रखना क्योंकि मैं खुद ही गिर चुका हूँ 2-3 बार। वेल ओके, तो हम लोग इस समय सबसे टॉप फ्लोर पे है एंड यहाँ पे काफी बड़ी छत देखने को मिल जा रही है। एंड इधर की साइड हम लोग को देखने को मिलता है एक हेलीपैड, जहाँ पे वेट मैं तुम लोग को हेलीकॉप्टर ही पार्क करके दिखा देता हूँ। वेल ओके, यहाँ पे मैंने हेलीकॉप्टर ही पार्क कर दिया एंड यहाँ पे ये देख सकते हो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ से कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है, दूर से तो छोटा ही लगता है। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बालकनी जो कि तुम लोगों को बाहर से दिखी रही होगी, मैंने इसको भी यहाँ से बना दिया। एंड दैट्स इट, तुम लोगों को ये कमाल का इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का घर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसकी डाउनलोडिंग लिंक तुम लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर तुम लोगों को ऐसे और प्रोजेक्ट चाहिए, सबसे पहले तुम लोग अपना आइडिया देना, मुझे बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर दो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।